इरफान कुरैशी, रणवीर इरफान, आप हमें देखते हैं रिफान शो में, जिसमें होती है खच्ची मीठी बातें और सास म्यूजिक भी। म्यूजिक के तड़के के साथ लाइव आते हुए आपके कमेंट्स लगा देते हैं चार चार। बिल्कुल जी, साथ साथ कुछ होती है दिलचस्प रोक जो भी कान भी खींचे जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिफान शो में साथ साथ दिलचस्प सवाल भी किए जाते हैं, पहेलियां पूछी जाती हैं, इनाम बांटे जाते हैं, ये सब कुछ मिलता है रिफान शो में। रिफान शो में, रिफान शो प्रेजेंटेड बाय रीना एंड इरफान, स्पॉन्सर्ड बाय हैना खान, ओनली ऑन टीवी। होटल अपार्टमेंट्स, गलियात की खूबसूरत पहाड़ियों के संगम में वाकई, मरी से 49 किलोमीटर और एबटाबाद से 26 किलोमीटर दूरी पर, टीम में एबटाबाद से मंजूर शुदा खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, डाउन पेमेंट सिर्फ 2,34,000, बाकी आसान महाना अकसात पर। 3-bed apartments, 2-bed apartments और स्टूडियो अपार्टमेंट्स, हर अपार्टमेंट के साथ बालकोनी, एक लग्जोरियस तर्ज जिंदगी, स्मार्ट किचन और खूबसूरत बाथरूम से मुजय। आज ही अपना अपार्टमेंट बुक कराएं और रिपब्लिक ऑफ टर्की का परमानेंट वीजा हासिल करें। अ प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें। मैं हूं रीना इरफान और आप देख रहे हैं रिफान शो और टीवी चार, जो कि कैनेडियन बेस्ड टीवी है, और मेरे साथ है हमेशा 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 की तरह इरफान कुरैशी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताना भूल गए, आप हो गए हैं रीना इरफान। बिल्कुल जी, रिफान पहले नाम अपना लिया, मैं चाहता हूं 4-5 दफा नाम दोहराया जाए, दिल को सुकून करार आ जाता है। रीना एक दफा और बोल दीजिए, एक मरतबा मेरी सोते सोते आंख खुली तो मैंने कहा कि मेरी नाम कौन पुकार रहा है, बराबर में लिखा हुआ जो शख्स है वो सोते हुए भी मेरा नाम लेता है। ऐसी की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, हो सकता है मैं कुछ और कह रहा हूँ, मगर रीना ही मैं कह रहा था। तो जनाब, हम लोग जुड़े होते हैं टीवी चार के साथ, जो कि कैंडिडेट बेस्ड टीवी चैनल है और साइड न्यूज की नशे आप देखी जाती हैं, पसंद भी की जाती हैं, और रिफान शो को आप रोजाना देखते हैं और पसंद करते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ, जैसे कि हम हमेशा बताते आए हैं कि रेक्स रुपया फ्रेंच होम्योपैथिक टॉनिक है, उसका ताबून साथ रहता है, कारवान इस्लामी हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है, और इसके अलावा ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स शामिल है, और सही साथ हमारे एक नए जुड़ चुके हैं साथी और डॉक्टर फजल रहीम साहब जो हैं, और उनका है लैंड स्टेयर। बिल्कुल जी, उनकी किताबों पर बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ रिफान्स कलेक्शन, जो कि हमेशा रीना व्यय करती हैं और चाहती हैं कि सब व्यय करें, तमाम खवातीन भी। बिल्कुल जी, और हक है हमारा कि खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत रखा जाए, देखा जाए, और अपने वो तमाम लोग जो कि आपको देखने खुश होते हैं उनके लिए तैयार हुआ जाए, और ऐसी ऐसा कलेक्शन वेयर किया जाए जो आपके हुस्न को आप और ज्यादा गॉर्जियस बना दे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दे। बिल्कुल जी, और रिफान्स कलेक्शन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0300-924-464। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पर हमारे जा सकते हैं, वहाँ पर ये सारी वैरायटी मिल जाएगी, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जी रीना,
बिल्कुल जी, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। हमारे साथ तहमी जावेद हैं, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा इस्माइल हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? चिंकू और पिंकी, तो मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक चीज मुझे बता दीजिएगा, बहुत बहुत खुशहाल खुशबाश। ठीक है, शगुफ्ता हारून भाभी जो है आज की नशा ने उनके नाम पर तालियां। हाँ। भाई बीच में दो तीन दिन गायब थे तो मेरा नाम क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है रीना? हमें कराची पाकिस्तान में रहना है। भाई ऐसा हो कि पूरी नशरियात हारून भाई जो तो उनकी जब हम तक बात पहुंची तो हमने चाहा कि आज पूरी की पूरी नशरियात डेडिकेट कर देते हैं। शगुफ्ता हारून, कैसी हैं आप? कैसी हैं भाभी? ठीक ठाक हैं? आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए आप हमेशा दुआगो रहते हैं, तो हमारे जितने भी देखने सुनने और जाने वाले हैं उन सब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अल्लाह के हुजूर दुआगो हैं कि अल्लाह आपको खुशबाश रखे, खुशहाल रखे। और बुशरा इस्माइल हमारे साथ मौजूद है। हाय खान जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अर्शद भाई भी वॉच कर रहे हैं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कमेंट्स भी चाहिए अर्शद भाई। ठीक ठाक है, तो सबको खुशामदीद यहाँ पर। और यहाँ पर अब्दुल रज़ाक जाफरानी, अस्सलाम वालेकुम, और आपसे वॉच कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। मैं कल का बहुत सख्त बीमार हूँ, आराम नहीं। क्या हो गया? साक्षी कैसी है आप? आपको मिस कर रहे थे हम, कहाँ गायब है? मसूद मलिक हमें वॉच कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक जाफरानी है कह रहे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद नदीम के लिए मैं दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और मैं जैसे कि रजा मुगल की तबियत कुछ खराब हुई तो आप लोगों ने एहतियात करना है। हाँ, हारून भाई भी ठीक नहीं थी, शगुफ्ता भाभी भी ठीक नहीं थी, तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और जहाँ जहाँ जो जो बीमार है अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जहनी और कल्बी सुकून दे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहन आप अपना खुश रखेंगे तो आप फील करेंगे कि आप खुश हैं, और अगर जहन ही आपका उलझनों का शिकार रहेगा तो आप के आगे चाहे कितने भी चीजें हो, खुशियों का सामान हो, तो आप खुश नहीं रहे। अच्छा, कुछ चाहते हुए उलझन होती है, मतलब चाहत हो जाती है दिखा मुझे, मुझे उलझन में पैदा करो, बल्कि जब मैं उलझन में पैदा हो जाऊंगा तो दूसरों को भी उलझन में शिकार करूंगा, ऐसा ये चीजें नहीं करनी है, थोड़ा सा बचना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं मजे की बात, मेरी भी तबीयत बिल्कुल अच्छी है। नहीं, नहीं। और इस वक्त स्टूडियो चार वाले देख रहे होंगे कि जब मैं यहाँ के बैठी तो बकायदा बच्चों ने मुझे वो सारी चीजें, ट्रीटमेंट चल रही थी, बैठी हुई हाथ दबा रहे थे। मैं आपको बताऊँ ना, जब ये बीमार होते हैं तो हम जिस तरह इनका ख्याल रखते हैं तो इस तरह हम बीमार पड़ते हैं, तो ये हमारा ख्याल रखते हैं। अभी बैठे हुए ये मेरा हाथ दबा रहे थे, आप भी इनके लिए दुआ कीजिएगा, बल्कि पूरे घर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, मगर रीना की तबीयत कल रात से थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो आप भी दुआ कीजिएगा, नदीम के लिए भी दुआ कीजिए, रजा के लिए भी, और जो जो बीमार, हारून भाई, शगुफ्ता हारून, और जो जो हैं। अच्छा बुशरा इस्माइल कह रही हैं आज आप इतनी डल क्यों लग रही बात जो ये होती है मोहब्बत है। जाओ, ये फर्स्ट सिलेक्शन तुम्हारा हुआ, बस इसके अंदर जो रीना है वो मुझे लेना। ठीक है जी, अच्छा जी, पहले वाले को चलते हैं और कुछ देखें है? जी बिल्कुल, कोई है को बताइए, कोई अगर साक्षी हमें देख रहे हैं, और साथ साथ टीवी चार और कह रहे हैं हेलो रीना जी, फांची एवरीबॉडी, और शराब पूरी दुनिया में हमारी ये शराब होती जा रही है। क्या करें,
तीसरा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आखिर में एक महीने बाद, ये कब स्टार्ट हुआ था हमारा, एक हफ्ता हो गया, हाँ जी। तो तीन हफ्ते रह गए, तीन हफ्तों के बाद जो है लकी ड्रॉ होगा, उम्र का टिकट मिलेगा, और फिर लकी ड्रॉ भी, वाओ। तो जनाब जबरदस्त, और मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं सवाल कर दूं, हाय माँ जी कह रही है, हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, थैंक यू सो मच। हम ठीक ठाक अच्छा, आपको बताऊं कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग अच्छे ही दिखते हैं। आए, क्या बात है इरफान, ये लग मेरा आपके बीमार है यहाँ पर वही दवा नहीं आ रही है। चलिए सवाल पहला ये है, कारवाने इस्लामी की तरफ से जरा करीब आ जाइए, और कारवाने इस्लामी इंटरनेशनल की तरफ से सवाल है, और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, प्रोग्राम भी खत्म होने तक जवाब दे सकते हैं आप, कि कुरान में खैरात का हुक्म कितनी बार आया है। कुरान में खैरात का हुक्म कितनी बार आया है, कारवाने इस्लामी इंटरनेशनल का सवाल है, और कारवाने इस्लामी इंटरनेशनल की जानिब से आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट उम्रे के पैकेज पर। ध्यान से चलिए और ध्यान से आपने जवाब देना है कि कुरान में पुरानी पाक में खैरात का कितनी बार आया है। तो जनाब सलमान बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है, बहुत है, हेलो बाबा जी, बाबा हीरो भी हैं, रॉक स्टार। आपने यूं करके तस्वीर भेजनी है मुझे व्हाट्सएप पर, ठीक है सरदार नजाकत अली, हेलो सरदार साहब, हाउ आर यू, जबरदस्त, आप अच्छा लगा, हर प्रोग्राम हम देखते हैं, वॉच करते हैं, और रिप्रेजेंटेड कमेंट्स चाहिए भी आपके, हमारी एक बहुत जबरदस्त पार्टी के, तो आपको खुशामदीद कहते हैं सरदार नजाकत अली साहब, और जबरदस्त सोनी वाटर के में देख रहे हैं, हेलो सोनी, हाँ जी, कैसे हो आप, आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन ये है कारवाने इस्लामी की तरफ से के जनाब पुराने पाक में खैरात का हुक्म कितनी बार आया है, और वही सवाल भी आएंगे, इसके लिए आप बराबर में किसी की हेल्प ले सकते हैं, बिलाल भाई से हेल्प लें, साक्षी चलें, एक और सवाल,
हनफियाज फूड की तरफ से आपने बताया, हनफियाज फूड जो हमारा पसंदीदा फूड है, जबरदस्त यमी फूड, मजेदार फूड। हनफियाज की एक ब्रांच आपको मिलती है न्यू टाउन में और दूसरी ब्रांच मिलती है आपको किचन के बेसल पर। आप कॉल करनी है उन्हें 0335-123-4501 पर और यमी फूड उनका एंजॉय कर सकते हैं। इनकी तरफ से भी एक सवाल किया गया है, आप लोग फिर करीब आ जाइए, इतना करीब आ जाइए कि आवाज सुनाई दे और दिखाई दे। और पहला सवाल इनकी तरफ से जो है हनफियाज की तरफ से वो ये है कि दुनिया की पहली खातून वजीरे आजम का नाम बताइए। दुनिया की पहली खातून वजीरे आजम का नाम बताइए, जल्दी बताइए। दो सवाल हो चुके हैं, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यमी फूड एंजॉय कीजिएगा। और हम खबर फनकारों के लिए भी कुछ करें ना, हम भी आपके लोग हैं, हमारे लिए कुछ करें, कुछ करें। हम आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। लॉकडाउन में सब भूल गए अच्छा जी, एक जबरदस्त गीत है लता जी का, वो हम डेडिकेट करते हैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को। खास तौर पर ये गीत हम डेडिकेट करते हैं सरदार रज़ाक साहब। वाह वाह तालियां जी, जी काफी हो गया जोरदार मजे वाली। और मैं आपको बताती चलूं, मंजूर साहब हमें देख रहे हैं इस वक्त, मंजूर साहब कनाडा से हमें देख रहे हैं, सॉरी मार्टिन गिल भाई हैं। और जबरदस्त, कहां कहां से आप लोग सारे के सारे हमें बताइए कहां कहां से देख रहे हैं, कहीं ये नहीं लिख दीजिएगा कि घर पे बैठा देख रहा हूं। तो ये तो सही जवाब होगा, लेकिन जगह बताइए आपने कहां से देख रहे हैं। Oh,
मुझ पर मरे आप। अच्छा जी मंसूर मिर्जा कह रहे हैं हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप सुनाइए आपकी तरफ हालात कैसे हैं, सब ठीक ठाक है। और नदीम अहमद कह रहे हैं कि फर्स्ट पीएम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और दूसरा सवाल बेनजीर भुट्टो के लिए जोरदार मुलाकात नहीं हो पाई और लेकिन उनसे उनकी पूरी हिस्ट्री को आपने पूरी जब उनकी लाइफ के मुताबिक आप जितना ये रोई है बहुत डिस्टर्ब थे हम लोग सब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दुनिया पूरी दुनिया ने उनकी जाने का जो दुख है वो तो अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे और बिलावल जो है उनमें उनकी झलक नजर आती है जब वो जनाब रेक्सोबे की तरफ से भी एक सवाल है और सवाल को हमने कल भी दोहराया था मगर हम चाहते हैं कि आज उसको फिर दोबारा दोहराया जाए और वो है रेक्सोबे जो कि फ्रेंच होम्योपैथिक टॉनिक है, उसके सवाल है कि पाकिस्तान की उस मशहूर शख्सियत का नाम बताइए जिसे अक्वाम मुत्तहिदा में बेहतरीन मुकर्रर का खिताब मिला, पाकिस्तान की उस मशहूर शख्सियत का नाम बताइए बढ़ते हुए बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद है, ताकत और कुव्वत का खजाना हम बच्चों के लिए इंतहाई या बहुत जल्दी उठती है हमारे शो की वजह से आज बहुत जल्दी उठती है। अल्लाह आपको खुश रखे। और शराब यहाँ पर मसूद अहमद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आज आवाज थोड़ी सी। अच्छा जी बुशरा इस्माइल कह रही है बेगम राना लियाकत अली खान ठीक है आपके हमने जवाब नोट कर दिए हैं। वेरी वेरी भी है वेरी वेरी और वो उन्होंने फूल भेजे हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मसूद मलिक कह रहे हैं इंदिरा गांधी ठीक है। और जनाब मिर्जा मंसूर मिर्जा में देख रहे हैं और मोहम्मद नदीम अहमद ने बताया और दूसरा सवाल समझ नहीं आया वो कह रहे हैं। दूसरा सवाल कौन सा था हम खुद भूल गए। तीनों सवाल दोहरा रहे थे कोई इशू नहीं है। एक तो ये सवाल होगी जो रेक्सोल पे की तरफ से है और दूसरे सवाल जो है प्यास की तरफ से था कि के दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का नाम बताइए। ये हो गया ठीक है। और एक और भी सवाल है यार, चार सवाल है आज तुम्हारे तरफ से माशाल्लाह और करीब आ गई खुद कफील हो गए हाँ, करीब आ गई इनामत बांटने दिल चाह रहा है बिल्कुल जनाब ग्रीनिश बिल्डर्स की तरफ से एक सवाल आया वाह तालियां और बहुत ही आसान इसलिए आप सब लोगों को हिस्स हो चुका है उनके बारे में बताता चलूं कि ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट मरी और एप्टाबाद से कितने फासले पर वाके है। ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट जो कि गणेश बिल्डर्स के एक प्रोजेक्ट है वो मरी से और एप्टाबाद से कितने फासले पर वाके है, ये सवाल हो गया आपने नोट कर लिया होगा। हंफियाज फूड की तरफ से जिसमें क्या ऑफर है हंफियाज फूड की तरफ से हंफियाज फूड की जानिब से आपको 1000 रुपीस का गिफ्ट वाउचर मिलेगा जो कि आप उनके फूड को एंजॉय कर सकते हैं मजा कर सकते हैं। अगर आपका जो अमाउंट है वो 1000 का बनता है आपने कोई चीज ली है तो फ्री है और अगर 1000 से ऊपर का अमाउंट तो 1000 फ्री मतलब 1000 लेस हो जाएंगे। अच्छा जी हंफियाज फूड की तरफ से हो गए सवाल दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का नाम बताइए। कारवाने इस्लामी का सवाल था कुरान में खैरात का हुक्म कितनी बार आया है, ये चारों सवाल आपने नोट कर लिए हैं और आराम से जवाब दीजिए फिर मेरा सवाल आएगा और मसूद मलिक साहब कह रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो तो उनके लिए भी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको बड़ी के रहमत करे। ये हमारे वो लीडरान हैं जिन्होंने हुकूमत की हाँ जी। और मोहम्मद नदीम अहमद कह रहे हैं 70 किलोमीटर कहाँ से किधर से नहीं पूरा डिटेल लिखनी है डिटेल लिखनी है अभी भी कर सकते हैं। मसूद भाई हंस रहे हैं किस बात पे हंस रहे हैं लड़के ये लड़का क्यों हंस रहा है। अच्छा बच्चे इसमें करीब 26 बच्चे पूरा ये अभी उम्र नहीं लिखनी है नहीं अरे 16 से वो उल्टा करके लिख दिया 16 साल की उम्र में शादी करवाई 18 साल की हुई उल्टा करके लिख दी है तो ये है मैं जो लोग समझ रहे हैं आप डल लग रही हैं इतनी डल लग रही नहीं है जब मैं बीमार होती मेरी बैटरी और मैं कहता भाई का साथ दिया करो 17 से 18 से ज्यादा की नहीं है चलो उल्टे उल्टा करके लिखे बुशरा इस्माइल कह रही है 2670 साल। अच्छा जवाब
बेटा पूरा लिखो ना, कौन से इसके चार सवाल है ना, तो ये किसकी तरफ से है उसका पूरा लिखो, पूरा लिखिए। अच्छा जी, अब कौन सा दूसरा गीत है बताइए, मर्जी आपकी, जो आप जैसे, मैं तो सुनाती रहूंगी। आप सर सुनाते हैं, मैं सुनता रहता हूं। इशारा करें, नहीं नहीं आफरीन 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 और धीरे धीरे से, बहुत दिन हो गया लिख लिख के थक गया हूं। अच्छा जो ये कहेंगे वो होगा, सब सुन लीजिए, अपनी फरमाइश अपने पास रखिए, जो ये कहेंगे वो। इश्क है तुझी से, थैंक यू, ये बात कर रही है आप बता रहे हैं, इश्क है तुझी से, तुझी जान जिंदगानी, जान कितना जोर से दोबारा, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की, हाय 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 हाय, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। बड़ा जबरदस्त ये गीत है, और अपने तमाम देखने वालों को मैं बताती चलूं कि बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। मसूद अहमद साहब ने शायद जवाब दिया है, वो जो हमने पूछा है कारवानी इस्लामी की जानिब से, बताइए बताइए, खैरात का जिक्र कितनी मरतबा आया है, 150 मरतबा, ठीक है, हमने नोट कर लिया है। बुशा इस्माइल ने कहा है एबटाबाद से 26 किलोमीटर के फासले पर, और जनाब हाँ जो पूछा है, और मरी से 70 किलोमीटर के फासले पर, ठीक है जी, आपके जवाब हम तक पहुंच रहे हैं, और बड़ा मजा आ रहा है, एक कंपटीशन का जो लेवल है ना, वो जो फीवर है ना, उरूज पर है। और कल मैंने देखा कि गुलाम मुर्तजा भाई जो है वो मोहम्मद नदीम को कह रहे थे, क्योंकि मोहम्मद नदीम ने कहा था कि रिफान शो का फीवर हो गया है मुझे, और तो फिर उन्होंने जवाब दिया अपने बेटे को कि अगर बेटा पहले मुझे बता देते मैं तुम्हारा तुम्हें रिकॉर्डिंग प्रोग्राम दिखा देता, ताकि तुम्हारी बुखार में जो हमारा प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो सच्चा हो जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त, तो आप जब बोलती हैं अपने इतने प्यार से बोला, तो मुझे भी खुदी की राय।
क्या बात है, अच्छा बुशरा इस्माइल बाबा अपनी उम्र नहीं, बुशरा इस्माइल 26 बेटा इस अच्छा है गुड कौन सी आशमी घूर रही है मैं नहीं देख रहा सवाल हम रिपीट कर देते हैं ताकि मालूमात हो जाए कि कारवान इस्लामी की तरफ से सवाल ये है कि कुरान पाक में खैरात का हुक्म कितनी बार आया है, कितनी बार एक हो गया कारवान इस्लामी की तरफ से सवाल, अनफियाल फूड की तरफ से जो कि जमी फूड होता है हमें बहुत पसंद है कि दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का नाम बताइए, ठीक। इसके अलावा जो ग्रीनिश बिल्डर्स हैं उनका भी एक सवाल है कि ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट मरी और एबटाबाद से कितने फासले पर वाके हम चाहते हैं कि अच्छी तरह रेड जाए, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा अब हमारा भी सवाल सुन लीजिए, 3 या 4 या जो मैक्सिमम हो सकता है ऐसे अल्फाज बताइए उर्दू के जिनको उल्टा पढ़े तो जल्दी एक अच्छा सा वर्ड बन जाता है। एग्जैक्टली मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तारीख, तारीख उल्टा पढ़े खैरात, ठीक है। तो इस तरह के 3 या 5 अल्फाज आपने निकाले हैं, अल्फाज के लिए तालियां यहाँ पर। हाँ बस हो गया, यही पर दर्द था। अच्छा जी, और अल्फाज शो आप रोजाना देखते हैं और हम लोग जुड़े होते हैं टीवी 4 के साथ जो कि कैनेडियन बेस्ड टीवी चैनल है, पूरी दुनिया में नशियात देखी जाती है। जब यहाँ पाकिस्तान में शुरू होता है तो वहाँ पर कोई 1:30 बजे का टाइम होता है और इस तरह यूएसए में देखी जाती है, लंदन यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और पूरी दुनिया में। मसूद मलिक भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वैसे तो गाने सुनते रहते हैं लेकिन आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं। मैं तो जमा करता हूं, ये गिरते रहते हैं अल्फाज में, जमा करके रखता हूं। हमारे घर में बोरियां भरी रखी हैं भरी, आप चाहिए तो आप ले जाइएगा। अच्छा जी, शाहीन अमान तो करते हैं, मैं बोलती हूं भरते रहते हैं। शाहीन अमान अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और रिफाश चौधरी शाहीन अमान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, बुशरा इस्माइल कह रही हैं आबाद रहिए, मुस्कुराती रही है। एबटाबाद से 26 और मरीज से 70 यानी 70, ठीक है, हमने जवाब नोट कर लिया। और ये और कौसी हाशमी कह रही है दर्द, हाँ, अरे वाह दर्द क्या मतलब, कहाँ किसका जवाब, दर्द दर्द, अच्छा उल्टा, वाह वाह अरे वाह वाह। अच्छा आप लोगों ने थोड़ा बताना भी इसलिए कि 4 सवाल किए गए ना, तो बताइए कि ये हंसियाज की तरफ से ये कारण, ये थोड़ा सा लिख दें हमें इजी हो जाएगा ना, हम बहुत बिजी चल रहे हैं बीवी नहीं, हाँ, बीवी मैं तो बीवी हमेशा ज़हन में सवार रहती है। हाँ, बीवी बीवी, हाँ, जो आपने 4 लफ्ज़ पूछे ना, नहीं ऐसे एग्जैक्ट, जैसे बारिश वो खैरात का बुरा था, तो ऐसे भी है, ठीक है, हाँ ऐसे करके पूछ रहे, जैसे ही करके पूछ रहे ना तो वैसे ही जवाब दे रहे। देखिए मैंने जिस तरह जैसे मैंने पूछा है वैसे बताओ, जैसे तारीख ऐसे नहीं करना, ठीक है, ठीक है, मैंने बताया वहां से, इसको ऐसे भी करो तो वही होता है, करके दिखा, ये सब करके दिखा, इस तरह से ठीक हो जाती है, ये उल्टा भी करे तो ऐसे ही रहेगा, ये भी अच्छा है, ये वाला इसको उल्टा भी करे तो वो ऐसे ही रहता है। तो हर मैन ने बताया, बहुत की हर मैन की क्रिएशन है ये, आपको मैं बता नहीं सकती, ये मतलब उसको उल्टा भी करे तो वही है, सीधा भी करे तो वही है, वाह भाई ये करेंगे अगले संडे आपके सामने ऐसे ही करेंगे। अच्छा जी, हम कोई गाना चाहते हैं, कमेंट्स पढ़ी पढ़ी पढ़ी, नहीं नहीं मैं आपको बता देती हूं, मैं निकाल लेता हूं, बहुत 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 बहुत, नहीं नहीं मैं, अच्छा जी, लंबी जुदाई रेशमा जी का जबरदस्त गीत है, 4 दिन का प्यार और रब्बा फिर लंबी जुदाई, ये 4 दिन क्या होते हैं मतलब, तो रेशमा जी को के लिए भी हम दुआ करते हैं कि हमारी मुल्क की बहुत जबरदस्त गुलकारा जिन्होंने खूबसूरत आवाज की मालिक, और इनको कहते हैं थर की जो जबरदस्त एक आवाज, थर की कोयल, और क्या जबरदस्त इन्होंने गीत गाए हैं, सास दामाद, अरे हाँ क्या मतलब सास और दामाद, ठीक,
ये रिश्ता भी बड़ा जबरदस्त होता है। क्या बात होती है इस रिश्ते की। बिल्कुल सही कह रहे मसूद अहमद भाई। हाँ सास मसूद भाई बोला है। हाँ मसूद भाई ने बोला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुराने पाक में 32 बार आया है खैरात का जिक्र। गुलाम मुर्तजा साहब कह रहे हैं और मसूद अहमद साहब कह रहे हैं सास दामाद दर्द दर्द से मेरा दामन भर गया। सास दामाद दर्द मैं तीनों चीजें हमने मुश्तक कर दी है। घर की बातें बात नहीं बतानी। कौन है वाली भाई? नहीं हाँ, कौन है? गुलाम मसूद अहमद भाई। मसूद अहमद भाई घर की बात कर रहे हैं। और ये दर्द क्यों आया? आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही लिखा है आपने। ये इसको उल्टा भी करके पढ़ेंगे तो वही आता है और सीधा भी करके। और किसने बताया था दर्द? उसने कौसिया ने बोला था। हां दर्द कौसिया ने भी बिल्कुल ठीक बोला था। इस तरह के तुम्हारी कमी महसूस हो रही है इस जवाब में। और बुशरा ने जवाब नहीं दिया। 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूसरे सवाल के जवाब में। और एहसन अहमद साहब आप भी थोड़ा दिमाग में रहे। Yeah.
जो आपके साथ साथ हैं। वाह, क्या कोई सस्पेंस नहीं है, ठीक है, थैंक यू जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और मसूद भाई दमाद सास और दर्द के बाद गायब हो गए। मसूद भाई दर्द से आगे कुछ बताइए, दोबारा बताइए। अच्छा मैं बता दूं क्या आपको, दो तीन वर्ड्स और अगर आपको नहीं आ रहे। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, चार सवाल है जो कि जो देगा तो उसके लिए गिफ्ट हैम्पर है। कारवानी इस्लामी की तरफ से सवाल है कि कुरान पाक में करात का जिक्र कितनी मरतबा आया है। जो सही जवाब देगा पहले, सॉरी जवाब देगा तो उसको 25% उम्रे के पैकेज पर डिस्काउंट मिलेगा। देकर सवाल है कि दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का नाम बताइए और उसमें भी आपको 1000 रुपए की बिल्कुल छूट दी जाती है। अगर आपने 1000 रुपए का फूड एंजॉय किया है तो फ्री है। और इससे ऊपर कहे तो 1000 रुपए लेस हो जाएंगे। इसकी इनकी जो ब्रांचेस हैं वो दो जगह मिलती हैं आपको, अनफियाज फूड की एक क्लिफ्टन रोड बेसन पर और दूसरी ब्रांच आपको मिलती है न्यू टाउन में। तो और फोन के जरिए हर वक्त मिल सकती है। अच्छा जी, ग्रीनिश बिल्डर्स की तरफ से भी सवाल किया गया है कि ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट जो इनका प्रोजेक्ट है मरी और अहमदाबाद से कितने फासले पर वाकई है, इसके बताना है। इरफान ने जो सवाल किए थे वो ये था कि जैसे तारीख तो उससे मिलता जुलता उल्टा पढ़ेंगे तो खैरात, तो बहुत सारे लोगों ने बोला दर्द, ठीक ओके मसूद भाई बोला, और सास दामाद दर्द कौसी ने भी बोला था। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि लाश शाल चले एक बता दिया और भी और भैया बाकी मैं पता किया, ठीक है ना, तो इस तरह के लाश से हटके बताएगा, ठीक है, और भी बता दर्द के बाद लाश आ गई मसूद भाई, सास दामाद दर्द लाश, ये कौन सी कहानी बनने जा रही है। अच्छा एक और चीज, चलो जी आज ना 15 मिनट पहले नहीं, अच्छा नहीं 15 तो खत्म हो गया टाइम, आज तो जल्दी पता ही माशाल्लाह। नहीं आप बताइए किसी के अभी है हमारे 10 कल है। कल हम एक ऐसी चीज आपके लिए लेकर आएंगे कि एक स्टोरी बिल्डअप करेंगे जितने भी लोग हैं, एक सेंटेंस से हम शुरू करेंगे और बाकी कहानी जैसे कि एक गांव था, इरफान आगे बोलेंगे उस गांव में दो बहन भाई थे, आप वहां से बताएंगे जैसे नदी उसके बड़े वाले गांव में भी दो बहन भाई थे, मतलब
मतलब आपने बट्टा सट्टा हो गया और शताफत अली बोल रहे हैं की बेनजीर भुट्टो ठीक है, मोहम्मद नदीम जो है इतने बहुत हैं, ये और भी सेंड करूं भाई। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे दिल से बिल्कुल दिल्ली भेजी। अच्छा 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 जी बात। अच्छा चीटिंग है लड़के तुमसे, बस ये मेरे पास ही रहने देते तुम यार। अच्छा जी लिखा है बारिश ठीक है, शराब लाश शाल भेज बीच बीच जेब ठीक है, राज उनको भी चलने दो यार, रोज है जोर रोज जोर रोज जोर ठीक है, नाप पान नाप पान हाँ सही है ठीक है, पा न नाप हाँ ठीक है ठीक है ना। तुम तो बिल्कुल सही चल रहे हो मेरे दोस्त, बीमारी में इतना एक्टिव माशाल्लाह, बस चलते तो मैं फौरन। अच्छा जी रात तार तार रात अच्छा खुश हाँ शुक ये क्या ये क्या मैं ये तस्वीर की मैंने पकड़ा दिया। अच्छा ये क्या है ये बताओ ये क्या है, ये तो आप हंसी से मुझे दिया था ऐसे रश शर रश हाँ रश शर वाह क्या बात है लड़के तुम जीत गए, जीनियस नहीं इससे ज्यादा जो भेजेगा उसको भी इनाम मिल सकता है, मोहब्बत मोहब्बत है नहीं है यकीन तो आप भी इसमें हिस्सा लेना है, बताइए मसूद भाई ने बोला है दमाद सास दर्द लाश ये मैंने बोला तो ये आपने बताना है ठीक है। और नदीम का बहुत सारी बहुत जबरदस्त था, थैंक यू चार की चीन का और चार के साथ शानदार शो था, चार की चार की टीम क्या गीली बात गहरी बात मैं कीबोर्ड के पास पानी ना लिख रहे हैं आप। अच्छा जी लास्ट सॉन्ग चलता है हमारा जा डाडी करते हैं, आज मेरी सिलेक्शन जा हो रही है। जब तक मैं आपको बताता चलूं कि रिफान शो में बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं हमारे माशाल्लाह ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं जिनका एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, उसके वाले से एक सवाल भी कहे उसकी ज्यादा डिटेल नहीं बता सकेंगे आपको, मगर ये है कि ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट है और जरूर उसमें आप जाकर उनकी साइट को चेक कीजिए, उनका फेसबुक पेज भी है, आप लिखेंगे ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट लिखेंगे ग्रीनिश बिल्डर्स लिखेंगे तो सब चीज़ आ जाएंगी सामने, और हम साथ साथ हमारे जो कमर्शियल चल रहे हैं उसमें भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्स रुपया जो कि डे फर्स्ट से हमारे साथ शामिल है और हम सब के तहदिल से मशहूर हैं, रेक्स रुपया जो कि एक फ्रेंच होम्योपैथिक टॉनिक है उनकी तरफ से भी सवाल किया जाता है और जो कि सवाल किया गया है उसका भी जवाब जरूर दीजिए, और ये सवाल कल भी किया गया था और उनकी मतलब देखिए कितनी अच्छी बात है कि कल और सवाल भी उन्होंने रिपीट करवाया और कहा कि ये होता है दिल बड़ा। इसके अलावा कारवन इस्लामी इंटरनेशनल का तामून रहता है हमारे साथ, रिफान्स कलेक्शन है, ग्लोबल फैब्रिक्स हैं, ट्रेंडी स्टाइल हैं, एप्पल विमेंस वेयर हैं और हमारे साथ कोई रह तो नहीं गया हंसिया फूड जो कि यमी फूड है और कल की नशियात उनके नाम से होगी इंशाल्लाह, और उनकी तरफ से भी एक सवाल किया गया जैसे हमने बताया था, नहीं उसी में से जो सामने लिखे हैं उसमें से बता दीजिए जी, बड़ी मेहरबानी बहुत टाइम समय लगाती हैं आप। अच्छा आपको एक वर्ड बताइए चले जो उसको उल्टा पढ़े, देखें इरफान को उल्टा सीधा कर ले वो शोर ही निकलेगा, बताइए इतना मैं क्या बताऊं जी जी आखिरी मैं तो मेरा दिल पर जानी कर दे नहीं जी दिल दे दिया है ठीक है दिल दे दिया है जा तुमने देखे वाह वाह लगा नहीं करेंगे सखी नहीं क्या बखार आ गया अच्छा आज बोल नहीं हो रहा क्या से हैं आप लोग ये नहीं हो रहा आज के अरे वाह वाह आइसक्रीम खा रहे हैं कौन कौन जाए आप सब भी कौन कौन शताफत अली से अरे वाह इस मौसम में आजकल ठंडी चीजों से परहेज करें आइसक्रीम को गर्म करके खा लो वाह गरम करो अगर बच्चा है तो फिर भी ना खाओ आपका अल्लाह ताला आपको बहुत दे हमेशा ठंडी चीजें थोड़ी अवॉइड करें हम सबको कह रहे हैं कि ठंडी चीजें आजकल डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ठंडी चीजों से थोड़ा परहेज करें और फ्रिज का इस्तेमाल भी ज्यादा करें फ्रिज तो हमने तो बंद कर दिया है बच्चों पता नहीं है आप लोगों को मैं रात जाकर सो जाता हूं ठंडा ठंडा सब हमारा
हमारे घर का जो फ्रिज का क्या बोल रही, फ्रिज से मुझे क्यों बुला रही है आप? अच्छा, ये लॉक करके चलाती बात में बच्ची खोलती है, मैं फ्रिज से निकलता हूँ। ठीक है, ठीक है, दिल दे दिया है। चलिए जी, लास्ट सॉन्ग और इसके बाद आप जाना चाहेंगे। मेरी तबीयत के लिए दुआ करिएगा। शो का जो सवाल था, जैसे कि नदीम ने बताया बहुत सारी चीजें उसमें दी थी, तो वो तो हम फौरी तौर पर पेश करते हैं। और जिनके जवाब आ रहे हैं दूसरे स्पॉन्सर के सवाल के जवाब में, उनका उनके नाम का अनाउंस हम कल करेंगे। और आप बिल्कुल जी शताबत अली से कह रहे हैं बहुत आला, गाजी अब्बास ने दिल भेजा है, कह रहे वाओ, थैंक यू, थैंक यू। और नदीम अहमद कह रहे हैं लोग गोल, लोग तुम लगे रहो बेस ना, चाहे इसको हम बमिलन ना कर लें नदीम अपने साथ,
और यहाँ पर इंशाल्लाह दगा नहीं देंगे रीना बहन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एस एम अहमद हमारे साथ हैं और जनाब बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो उनको हम ये बताएंगे कि रोजाना अब से 10:30 बजे आप हमें ज्वाइन करिएगा। बजरिया TV 4 पूरी दुनिया में हमारी ये नशरियात देखी जा रही है, पसंद की जा रही है, आप सबके पसंद करने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। अच्छा, और हर इतवार को 10:30 बजे नहीं उनके वो 10 बजे हुआ करेगा, जो कि रिफांस किट जो है वो 10 बजे बच्चों अगले इतवार तक का देना है, जैसे कि हया ने सवाल किया था टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, तो वो आप बिल्कुल बताइए और अगले इतवार को बताइएगा। और ये जो प्रोग्राम है रिफांस जो, ये आप 10:30 बजे के लिए आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप कुछ कहते हैं इसके? मैं ये कह रही थी कि देखिए जी, एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, और ये जो चीज़ है ना, इसमें ये है कि आप लोगों ने एहतियात जो है वो इसका सबसे बड़ा बड़ी मेडिसन है, एहतियात करें। और लेमन का इस्तेमाल करें, ऐसा पानी जो कि बर्फ वाला, ठंडी चीजों से बचें, सख्ती से मनाएं, डॉक्टर्स की तरफ से सख्ती मनाएं, एसी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, अगर फैन भी ऑन कर रहे हैं तो, और कमर्शियल जहां पे एसी चल रहा है वहां का खतरा है, घर के अंदर थोड़ा सा, घर के अंदर फिर भी बचत हो जाती है, लेकिन वो लोग जिनको महसूस हुआ और वो अपने घर में मास्क पहने टाइम हो गए हैं, तो उसमें आपने ये करना है कि एसी का इस्तेमाल नहीं करना, पंखा भी बहुत हल्का इस्तेमाल करें, और आप जैसे मुगल जैसे कि बताया, तो रजा मुगल आप हमें अगर सुन रहे हैं तो आपने इन चीजों का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, और पंखा भी अगर हो तो कम इस्तेमाल करें, मसाले ज्यादा होते हैं जैसे अदरक हो गई और ये हो गया लौंग हो गई, लौंग का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए मुफीद होगा, बल्कि सबके लिए, और कहवे का इस्तेमाल करें कुछ दिनों के लिए अपनी चाय के अंदर, मसाले वाली जो चाय होती है ना, जो कि बहुत तकरीबात में या किसी मखसूस चाय पे बनती है, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे घर में तो रोजाना ही मसाले वाली चाय बनती है, और क्या जबरदस्त चाय बनाती है। अच्छा, बात एहतियात करने के बाद क्या होता है कि वो हया की तारीफ कर रही हूँ, हया की बात हो रही है और मैं इस तरह बातें कर रहा हूँ, आप इसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। मसाले वाली चाय उसके अंदर सौंफ भी डलती है, उसके अंदर इलायची डलती है, उसमें दालचीनी, तो शो के बाद हो जाए, और उसके अंदर अदरक डलती है, तो ये तमाम चीजें जो होती हैं जो जबरदस्त। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो ना एहतियात करते हैं 5 से 10 दिन 15 दिन उसके बाद फिर वही चीज है, ऐसा खुदा मत कीजिए। रजा आपसे भी हम मुखातिब हैं कि अगर आप एहतियात कर रहे हैं कमरे के अंदर, आप अपने आपको अपने केयर किया, और देखो जरा मैम, तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, उसके बाद ये नहीं कि आप बेएहतियाती से सारे काम करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है, तो हर चीज का ख्याल रखें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसके साथ ही वहाँ पर थोड़ा सा मतलब लोग कह भी रहे हैं, गवर्नमेंट से तलब ये हो रहा है कि आप वहाँ पर एसी वैसे बंद कर दीजिए। मैं बराए करम अगर कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जो ज़खीरा अंदोज़, बताऊं कि अभी पान गए हैं मतलब मेडिसिन खत्म हो गई है, पैनाडॉल दी है, लीमो नहीं है, जो लीमो था बिल्कुल नहीं है, आप ये सोचे अगर है तो महंगे महंगे महंगे, अगर है तो इतने महंगे कि बंदा ले ही नहीं सके, मतलब एक जैसे मास्क महंगे हो गए थे, मास्क महंगे हो गए थे, शॉर्ट हो गए, पैनाडॉल खत्म हो चुकी है, या डिफेंस में तो पैनाडॉल नहीं है भाई, और क्या कहते हैं लीमो खत्म हो गया है, हमें पैकेट भिजवा दीजिए, अरे आम का दिन चल रहा है, आम हमारे वो दोस्त कहाँ हैं जो आमों के पेड़ पे बेचते थे, हमारे प्यार के दोस्त, और वो मुल्तान मसूद भाई, जरा जरा बाप याद याद दिलाया जाए, कुछ क्या ये क्या हो रहा है भाई, दिल खुश करो मेरे मसूद भाई। अच्छा और भी तो लोग हैं हमारे घर, बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनको आम याद ला रहे हैं, इन आम लोगों के लिए जो के आप लोग अच्छा, जब तक कोरोना की वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती, पाकिस्तानी जंगलों की जड़ी बूटी का कहवा बना करके पी चुके होंगे, लेकिन मास्क फिर भी नहीं पहनेंगे, ये बात भी सही है, जड़ी बूटियां ये कर रहे हो तो मास्क नहीं पहनना, मतलब और कोई इल्म नहीं है,
है, कोई नॉलेज नहीं है कि इसके बाद क्या होगे, उसके मुज़िर असरात क्या होंगे। हर किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो आपको एक बुरी बड़े बुरे बुरे उसके नतीज मिलते हैं। तो किसी भी चीज की ज्यादती ना करें। पानी का अगर कहा गया तो पानी भी एक लिमिटेड तादाद में पिए, और अगर किसी जड़ी बूटी का बता दिया वो कहवा बूटी का जो फिर आप कहते हैं कि ये क्या। अच्छा एक और चीज थी उन्होंने बताया कि कैल्शियम की आप या तो ये ले लें या ये ले, ये थोड़ी कि आप दोनों चीजें ले लें। भाई खुदा का खौफ करें, अपने ऊपर रहम करें, हर चीज की लिमिट होती है अपनी बॉडी के लिहाज से। कैल्शियम और विटामिन की ज्यादा मिकदार जो है वो आप हर चीज को पथरी पैदा कर देती है, पथरी हो जाती है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके। एक वक्त में एक चीज ले, दिन में एक दफा लें, हम टाइम लें उसको अपने लिहाज से। अगर आपने दूसरी चीज गर्म ले ली है तो किसी चीज से ख्याल रखें। एनीवेज आज का बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, मगर ये चूंकि बहुत सारी चीजें हम देख रहे थे हम अंदर ही पाकिस्तान में। हाँ। क्या पाकिस्तान में अभी एक चल रहा था कि वो जो कौन सा हॉस्पिटल है लाहौर में, न्यू हॉस्पिटल, वहाँ कितना बुरा हाल है। तुम्हारी खुदा के वास्ते अपने हॉस्पिटल से बाहर रोड तक स्ट्रेचर पे लोग बैठे हैं, और इस तरह खुदा रहा प्लीज। 40 के करीब उनमें से बाहर लोगों ने बताया है कि हमने ठंडी चीजों का इस्तेमाल किया था। मैं उनके इंटरव्यूज पढ़ा था, किसी ने कहा कि हमने ये मास्क नहीं पहने थे, किसी ने कहा हम तो इसको समझते ही नहीं थे कोरोना। न्यू हॉस्पिटल के बाहर रश लगा हुआ है, सारे हॉस्पिटल के बाहर जा रहा है। गर्मी में, इतनी गर्मी में 40 के करीब वहाँ पे दर्जा हरारत है, और इतने मरीज हैं कि बाहर जो का जो एरिया है जहाँ से एंटर होते हैं वहाँ पर लोग स्ट्रेचर पर पड़े हुए। आप जरा इमेजिन करें इस बात को। तो खुदारा इन चीजों को हल्का मत लें, हर चीज को मजाक, हर चीज मजाक नहीं होती। जो लोग इन चीजों से गुजर रहे होते हैं उनके घर वालों की कैफियत आप देखें कि क्या हो। अच्छा हो क्या रहा है रीना, इसको थोड़ा लाइटली मूड में खत्म करते हैं। इसलिए कि उसमें एक खातून का मैं जो देखा था कि वो हर एक से जाकर मोहल्ले वालों से मिले थे। मोहल्ले वाले हैरान कह रहे भाई आप आई हैं, और जब जाते उन्होंने कहा कि असल में मुझे कहा गया है कि आप अपने घर में एक कमरे में हो जाए, जैसे कि मुझे कोरोना बताया गया। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले एक दफा मिल लूं, मतलब ये है यहाँ पर बाकी चल रहा है। ये तो जोक था, मगर ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो खुदा आपका ख्याल रखिए, इरफान शो से अब इजाजत दीजिए इरफान कुरैशी को और रीना इरफान को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी भी दुआ कीजिएगा, कल भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। होटल अपार्टमेंट्स गलियात की खूबसूरत पहाड़ियों के संगम में वाक़े, मरी से 49 किलोमीटर और एबटाबाद से 26 किलोमीटर दूरी पर। टीम में एबटाबाद से मंजूर शुदा खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, डाउन पेमेंट सिर्फ 2,34,000, बाकी आसान महाना अकसात पर। 3-bed apartments, 2-bed apartments और स्टूडियो अपार्टमेंट्स, हर अपार्टमेंट के साथ बालकोनी, एक लग्जोरियस तर्ज जिंदगी, स्मार्ट किचन और खूबसूरत बाथरूम से मुजैया। आज ही अपना अपार्टमेंट बुक कराएं और रिपब्लिक ऑफ टर्की का परमानेंट वीजा हासिल करें। अ प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें।
ट्रिम फ्रांस से बरामद शुदा महफूज और मौसर होम्योपैथिक फार्मूला फालतू चर्बी भुलाए जिसम को सिडोल और खूबसूरत बनाए साइड इफेक्ट से महफूज दुनिया भर में बरसों से आजमूदा तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर दस्तियाब ट्रिम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरमान बिन इरफान है और हम अभी उमरा करने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा कारवानी इस्लामी के रेफरेंस से और ये बहुत अच्छी खिदमत करते हैं।